नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर, मेरे साथ है घमासान डॉट कॉम के संपादक मुकेश तिवारी। दरअसल कल से बंगाल में बवाल मचा हुआ है, सर आखिर क्या वजह है इस बवाल की? बवाल की जो वजह है वो उसके उसको समझने के लिए हमको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में करीब डेढ़ दशक से अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। इस प्रयास में उसका पहला वैचारिक टकराव वहाँ के कम्युनिस्ट शासन से होता है। अब चूंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में है तो टकराव अब तृणमूल कांग्रेस से होने लगा है। बिल्कुल। और पिछले 3-4 साल से ये संघर्ष और टकराव बढ़ता जा रहा है। उसकी परिणति में आरोप लगे हैं ममता सरकार पर या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर हमलावर हुए हैं, सड़क पर उतरकर संघर्ष होने लगा है। और बढ़ते बढ़ते चीज़ें अब यहाँ तक आ गई हैं कि अमित शाह की रथ यात्रा को न होने देना, और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं उतरने दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही नाराज चल रही थी। बिल्कुल। और जब योगी सरी का जो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी पोजीशन स्टार प्रचारक, बड़े नेता के रूप में रहती है। बिल्कुल। तो उनके प्रचार प्रसार करने से बंगाल की सरकार को तकलीफ हो, उनका हेलीकॉप्टर ना उतरा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आग बबूला होना स्वाभाविक है। सीबीआई का जो कल कार्रवाई हुई है जी, उस कार्रवाई को, हालांकि सरकारी कार्रवाई अलग भी होती है, उसका खुद सीबीआई के जो अंतरिम निदेशक हैं उन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सब कार्रवाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस कार्रवाई के पीछे इन राजनीतिक पहलुओं को भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो सर क्या है, मान ले कि विपक्ष इससे मजबूत होगा? आज की जो स्थिति है भाई, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ जो कार्रवाइयाँ या उनसे जुड़े लोगों के यहाँ कार्रवाई हुई तो वो भी नाराज हैं। बिल्कुल। स्मारक घोटाले में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनसे उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव, असर मायावती और उनके समर्थकों पर दिखाई दे रहा है, वो नाराज हैं। कई दूसरे राज्यों में भी विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वो नाराज हैं। कुछ सरकारों ने, जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, उन्होंने तो घोषित ही कर दिया था कि हम सीबीआई को नहीं आने देंगे। बिल्कुल। तो विपक्ष नाराज है, और कोई भी विपक्ष हो, कभी भी विपक्ष की कोई सरकार रही, अगर सीबीआई की कार्रवाई होती है तो कहा यही जाता है कि सरकार जो है सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और उसका जो है उपयोग विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सर सीबीआई भी लगातार सवालों के घेरे में, ऐसे में क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने अभी जो बात कही ना कि सीबीआई तो हमेशा से भाई सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी, वो अपनी कार्रवाई यहाँ करती है, पर जब भी विपक्ष के किसी नेता पर, विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री पर, विपक्ष के किसी मंत्री पर कार्रवाई होती है तो आरोप यही आता है कि सीबीआई जो है वो सरकारी तोते के रूप में काम कर रही है। विपक्ष की एकता, अभी विपक्ष फिर एक बार से थोड़ा सा बिखर गया था जी, लेकिन अब ये कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई में ममता के साथ खड़े रहना विपक्ष की एक मजबूरी हो गई है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और विपक्ष को तो मुद्दे की तलाश है। बिल्कुल। तो विपक्ष, एक पूरा विपक्ष इस वक्त ये माहौल बनाने की कोशिश में है कि मोदी सरकार, और वो तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी नाम लेते हैं, तो उनका ये कहना है कि सरकार तानाशाही पे चल रही है, वो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और उसके लिए जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सर आपको कहाँ लगता है, कहाँ तक जाएगी ये दौड़? नहीं, ये जो लड़ाई शुरू हुई है ममता बनर्जी और अपन, तो ममता बनर्जी और मोदी
सरकार या मोदी वर्सेस ममता बनर्जी मान ले इस लड़ाई को, बिल्कुल, तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 2019 का जो फाइनल होना है वहाँ तक जाएगी, और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी इस लड़ाई का असर देखे दिखाई देगा। देखो क्या होता है कि जब लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 में थी पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में लड़ाई होती थी, पर पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ नंबर 2 पर आ गई है। और आप ये जानते हो कि जब नंबर 1 और 2 की लड़ाई होती है ना, तो वही बहुत महत्वपूर्ण और कांटे की होती है। बिल्कुल। तो अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जब से, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि कुछ 1.5 दशक से ये सब चल रहा है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने असम में सरकार में आ गई, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, उसने वहाँ कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका, तब से भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास जाग गया है कि वो पश्चिम बंगाल में अपने बल पर सरकार में आ सकती है, और इस वक्त मुख्य विपक्षी दल तो हो ही गई है वो। बिल्कुल। तो ये लड़ाई जो है, इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कृष्णपाल, कि अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आ गई है, तो जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें इन राज्यों में ज़्यादातर सीटें, मतलब मध्य प्रदेश में 29 में 27, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, राजस्थान में 25 की 25, तो अब क्या वो स्थिति रहेगी देखने लगेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वही 73 सीट वाला कारनामा, तो जब वो सीट, क्या गुजरात में 26 में से 26, अगर वो नहीं हो पाती है स्थिति, तो उसकी भरपाई कहाँ से की जाए। तो 42 सीटों वाला जो पश्चिम बंगाल है लोकसभा के हिसाब से, उस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस किए हुए है और उसी की ये लड़ाई चल रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषणों के लिए देखते रहिए घमासान.com। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।